रेलवे के अधिकारी विषम परिस्थितियों से निपटने के लिए रेल ट्रैक और आपातकालीन उपकरणों की बारीकियां को परखी कर उनका मुआयना कर रहे हैं। इस दौरान अधिकारियों ने अपने स्टाफ को उचित दिशा निर्देश भी दिए। उत्तर पश्चिम रेलवे के प्रधान मुख्य सुरक्षा अधिकारी RS रनौत ने काठ गोदाम से लालकुआ तक रेलखंड का निरीक्षण किया, जिसमें स्टेशन, स्टेशन यार्ड, कोचिंग डिपो, क्रू लॉबी, रनिंग रूम, रेलवे संपार, सिग्नल रूम, रेलवे यार्ड सहित दुर्घटना यान से संबंधित सुरक्षा उपायों का गहन निरीक्षण किया गया। इसके साथ ही रेलवे दुर्घटना यान में मौजूद ड्रिल मशीन, बेल्डिंग कटर, आपातकालीन स्थिति में प्रयोग होने वाले सुरक्षा उपकरणों की बारीकियों को देखा गया। इस दौरान मुख्य सुरक्षा अधिकारी ने इज्जतनगर मंडल सुरक्षा मानकों को सुदृढ़ करने की दिशा में इज्जतनगर मंडल द्वारा अपनाए जा रहे प्रयासों पर संतुष्टि व्यक्त की। इंटर रेलवे इंस्पेक्शन के लिए आए हैं, रेलवे ने अच्छा सिस्टम चालू किया हुआ है, तो हम अपना तो काम करते हैं सेफ्टी का, जैसे NDR में हम लोग आए हैं, ये लोग अपना काम तो कर ही रहे हैं, बट ऐसा भी सिस्टम रहा है कि एक दूसरे का जा कर के देखें हम कि अगर वो अच्छा काम कर रहे हैं हम भी अपने सिस्टम में उसको अडॉप्ट कर सकें, या कोई थोड़ी बहुत कमी पेशी है उसको भी हम लोग पॉइंट आउट कर सकें। तो उस कॉन्टेक्स्ट में ऐसा रेलवे ने सिस्टम बना रखा है कि साल में 2 बार जा करके इंटर रेलवे जो है इंटर जोन इंस्पेक्शन कुछ करेंगे। सर, यहाँ के निरीक्षण में इसमें हम लोग ने स्टार्ट किया है, जैसे यहाँ मेजर एस्टेब्लिशमेंट है, जैसे रनिंग रूम है, जैसे ड्राइवर्स वगैरह हमारे काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये ट्रेन्स को चलाते हैं, उनका प्रॉपर रेस्ट हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है, उनके लिए कैसी फैसिलिटी है, रहने का कैसा, रूम में खाने का कैसा है, यहाँ पर उनका बुकिंग के टाइम में उनके टेस्ट हो रहे हैं प्रॉपर कि नहीं, वो सारी कुछ चीज़ें मतलब देखने के लिए ये सेटअप है, यहाँ पे वर्कशॉप्स का सेटअप है, सिग्नलिंग सिस्टम है, बाकी ऑपरेशन से रिलेटेड स्टेशन के ऊपर जो चीज़ें हैं वो सब हर चीज़ थॉरली चेक करनी है और सब कुछ ठीक ठाक मिला है। और सबसे अच्छी बात यह है कि इन्होंने कुछ कुछ आजकल टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करके जो इंस्पेक्शन वगैरह होता है उसका भी सिस्टम इन्होंने डिजिटली उसको एक सिस्टम बनाया है, जो कि बहुत अच्छी बात है। जयपुर से जो है PCSO साहब की अगुवाई में टीम आई है जो सेफ्टी ऑडिट कर रही है इस खंड का, और इस सेफ्टी ऑडिट से हमें भी लाभ मिलेगा कि वो लोग आए हैं वहाँ से तो बारीकियों से निरीक्षण करेंगे किस तरह से यात्री सुरक्षा में कुछ कमियां हैं तो उसको उजागर किया जाए। हम लोगों को भी इससे जो है एक सीखने को मिलेगा, और यदि कोई हमने पूरी कोशिश की है कि कमी ना रहे, हमेशा मंडल की और रेलवे की कोशिश रहती है कि सुरक्षा की दृष्टि में पूरा कार्य किया जाए, लेकिन कोई कमी होगी तो उसको दूर किया जाए। सर, सेफ्टी की सेफ्टी ऑडिट चल रहा है अभी, आज और कल है, और सेफ्टी ऑडिट में अभी काफ़ी निरीक्षण अभी किए गए हैं, पैनल का निरीक्षण किया, यार्ड का निरीक्षण किया, और अभी रनिंग रूम का, क्रू लॉबी का, स्पार्ट का, इन सब का निरीक्षण जो है गहन निरीक्षण किया जाएगा, और कल पूरा लालकुआ से बरेली तक भी निरीक्षण होगा। तो कुल मिला के जो भी रिपोर्ट आएगी उसके अनुसार हम लोग कार्य करेंगे। नाम से लालकुआ हुआ है और लालकुआ का पूरा गहन निरीक्षण किया जाएगा। ठीक है सर। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।